ब्लॉग्स चैनल में और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस टॉपिक और क्या कहा है फेमस क्या है इस टाइम का ट्रेंडिंग टॉपिक है जो पूरी पेंट इंडस्ट्री को हिला के रख रखा है। पूरे के पूरे मार्केट में इस टाइम दिक्कतें चल रही हैं पेंट की, उसमें देखा जाए तो सब एक बार घबराए हुए हैं कि कौन सा एक ऐसा पेंट आ रहा है जिससे सब दिक्कत में आ रहे हैं। तो आप हमारे इस टाइटल नीचे लिखा उससे आप जान गए होंगे कि हम आज किस बारे में बात कर रहे हैं और अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे रहे पूरे डिटेल में कि क्या क्या प्रोडक्ट आ रहा है। अगर इससे आ रही है कंपनी तो इससे और कोई पेंट इंडस्ट्री को दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, फुल डिटेल में बताते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कौन कौन से शेड्स आ रहे हैं, कलर आ रहे हैं, मशीन आ रही है कि नहीं आ रही, पूरी डिटेल में फुल आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं बिरला उपश के बारे में, जो OPUS करके उसको बोला जाता है, बिरला उपश, आदित्य बिरला कंपनी की ये है। जो पहले आपका पुट्टी आती थी बिरला वाइट की और प्राइमर भी बीच में आता था एक्टिव कोट करके, एक एक्सटीरियर का आता था, एक अंदर का ग्रीन और रेड कलर की सब बाल्टी थी। आपको याद होगा हमने अपनी वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, तो आप अगर नहीं देखे तो बैक में जाके आप उसकी वीडियो भी फुल डिटेल में देख सकते हैं। हमने उसके ऊपर भी बनाया, पुट्टी के ऊपर भी बनाया कैसे यूज़ करते हैं वो भी, और प्राइमर के ऊपर भी शेम बनाए थे। और अब नहीं जानते कि हम किस चीज़ में वीडियो बनाते हैं तो हम पेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और सारी जानकारी देते हैं कि आपको क्या चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए, फुल डिटेल में। अगर आपको डीलरशिप, टोकन, पेंटर से रिलेटेड सारी चीज़ डिटेल में हम वीडियोस पे बनाते हैं। तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आगे की कोई भी वीडियो हो तो आपके पास पहुँच जाए। तो आइए चलिए हम लोग बात करते हैं बिरला उपस बारे। पहले बात करते हैं कि बिरला उपस आ रही है तो इससे दूसरे कंपनियों को दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली ये दिक्कत हो रही है इससे, पूरे उससे कहा जाएगा तो दिक्कत पूरे कन्फर्म है कि होनी है, क्योंकि उनका टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वो आ रहे हैं इस कंपनी से लेके। आपने न्यूज़ में बहुत देखा होगा 10,000 करोड़ कुछ ऐसे बता रहे हैं कि 3 साल में कुछ इनका टारगेट है, 5,000 करोड़ से स्टार्टिंग ऐसे कुछ करके है डिटेल में पूरा बिरला उपस की। और उन्होंने कहा है कि हम नंबर 2 पे आना चाह रहे हैं, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि नंबर 1 पे हम डायरेक्ट पेंट इंडस्ट्री आएंगे, मतलब कि आप जान रहे हैं कि नंबर 1 पे कौन बैठा है पेंट इंडस्ट्री में। आपको अगर नहीं पता तो हम बता दें एशियन पेंट नंबर 1 पे बैठा हुआ है, जो शायद 67-70% के साथ मार्केट कैप से बैठा हुआ है, 67-75% कैप से बैठा। सेकंड नंबर पे बर्जर है, तीसरे नंबर पे कामधेनु नैरोलैक है, उसके बाद इंडिगो, कामधेनु और यही सब नीचे है ब्रिटिश करके सब सारी कंपनियाँ। तो मतलब दूसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब बर्जर, कामधेनु, नैरोलैक, इन सारे कंपनियों को दिक्कत में आना, कामधेनु, इंडिगो, जितनी भी नीचे एशियन पेंट के जितनी भी आप पेंट कंपनियों को जानते हैं सबको बिछड़ेगी, सबके लिए दिक्कत है, सिर्फ एशियन को नहीं करेगी, क्योंकि एशियन बहुत ही लार्ज कैप से बैठा हुआ है। 60-70% कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर आप कोई टॉप पे बैठा है तो उसको आप एक बार में छेड़ नहीं सकते, तो वही मामला है कि एक टॉप पे एक आदमी बैठा हुआ उसे कोई छेड़ेगा नहीं, तो इस मारे पहले सेकंड पे आएंगे, सेकंड के बाद ये फर्स्ट पे जाएंगे। इस तरीके से आप समझ लीजिए, डायरेक्ट कोई फर्स्ट के लिए नहीं कहे, क्योंकि फर्स्ट पे बैठा बहुत मेहनत करा है, बहुत ज़्यादा काम करे तब वो वहाँ बैठा है, तो पहले सेकंड पे आएंगे, उसके बाद टारगेटें देखेंगे, मार्केट को देखा जाएगा, फिर 3 साल बाद वो वैसे करेंगे, हम फर्स्ट पे आने की कोशिश करेंगे। इनके पर लीटर शायद साल के कितने ये माल बनाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा है, बर्जर वर्जर से तो बहुत ज़्यादा है, एशियन बहुत ही ज़्यादा है उनसे, मतलब जितनी इनकी कैपेसिटी है साल भर की बनाने उतनी डबल ट्रिपल एशियन की अभी तक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम पहले सेकंड पाएंगे फिर फर्स्ट पाएंगे। तो आइए चलिए इसके शेड्स के बारे में बता दें, तो लगभग सारे शेड्स में अवेलेबल है और इसके अंदर एक्सटीरियर इंटीरियर का प्रोडक्ट अभी इन्होंने बताया है, 2-4 प्रोडक्ट के साथ नाम भी इन्होंने अनाउंस करा है, वो हम नाम आपको बताते हैं। और अभी इनका वाटर प्रूफिंग और इनामिल का भी थोड़े दिन बाद आएगा, कमिंग सून उस पर लिखा हुआ है, मतलब अपडेट अभी नहीं हुआ, उसके बारे में अपडेट करेंगे। तो आइए पहले हम इंटीरियर के बारे में बताते हैं, इंटीरियर में कौन सा प्रोडक्ट पहले ला रहे हैं, कौन कौन से 4 प्रोडक्ट ऐसे उन्होंने डिटेल में बताया, उनका नाम बता देते हैं, फोटो अगर हमें मिल जाते हैं साइड में पेस्ट कर देंगे, फोटो लगा देंगे। तो पहला इनका है बिरला ओपस स्टाइल कलर फ्रेश के नाम से आता है, एक वो प्रोडक्ट है, एक है बिरला ओपस स्टाइल कलर स्मार्ट साइन से आएगा, जिसकी साइनिंग ज़्यादा होगी, आपको नाम से लग रहा है साइनिंग ज़्यादा उसकी होगी। फिर है बिरला ओपस स्टाइल सुपर स्मूथ, जैसे कि आपका स्मूथ में बर्जर के कई हैं, एशियन के कई हैं, उसे रिलेटेड स्मूथ है, उन्हें में आपको स्मूथ लगेगा, साइन ठीक ठाक होगी और प्रोडक्ट वैसे भी बेस्ट है, इनके नाम भी ठीक है। बिरला ओपस स्टाइल सुपर ब्राइट है जो इनका इंटीरियर का ये 4th प्रोडक्ट, ये वॉशेबल है, और जितने ये 3 प्रोडक्ट है ये वॉशेबल नहीं लिखा था उसके ऊपर, हमने शायद जब साइड में हमने देखा था इन तीनों पे वॉशेबल नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट वाला था बिरला ओपस स्टाइल सुपर ब्राइट ये वॉशेबल पेंट है। और 3rd नंबर पे हमने बताया था बिरला ओपस स्टाइल सुपर स्मूथ, 2nd नंबर बिरला स्टाइल स्टाइल कलर स्मूथ साइन, और 1st नंबर बिरला ओपस स्टाइल कलर फ्रेश। ये 4 प्रोडक्ट इन्होंने इंटीरियर के लिए अभी तक बताए गए हैं और
अगर आप एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में भी इन्होंने चार प्रोडक्ट बताए हैं, जैसे कि बिरला ओपस कैलिस्टा नियो स्टार साइन जो बाहर के लिए उन्होंने यूज करा है, जो डस्ट को आपको बचाएगा, रिच साइन है, बहुत ज्यादा हाई साइन है, रिच साइन है और डस्ट के लिए बचाएगा। और सेकंड इनका था बिरला ओपस कैलिस्टा नियो स्टार जो एक्सटीरियर के लिए बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि आप बर्जर का पकड़ ले, आप एंटी डस्ट वस्ट पकड़ ले, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर से कि इनका कैलिस्टा न्यू स्टार का क्या लेवल है पेंट के उसके उसमें। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग फिनिश है, बाहर के लिए डस्ट प्रूफ है पूरा, इसमें पूरा लिखा हुआ है। और इनके कई हैं, बिरला ओपस वन ट्रू लुक जो थोड़ा शायद नीचे है आपके एवरेज में जाएगा, जैसे कि वेदर कोट हो गया, स्मूथ चैम्प, इन सब के लेवल के साथ जा सकते हैं। बिरला ओपस वन ट्रू लाइफ करके एक है, ये थोड़ा और नीचे आप चल जाएंगे तो उस तरीके से ये सारे डिवाइडेड है पार्ट में, चार इंटीरियर के चार एक्सटीरियर के। अब इसके मशीन भी आएगी, जैसे बर्जर की मशीन रखी वैसे इनकी भी मशीन आएगी, पर हमने देखा है कि इनकी मशीन लगभग इससे छोटी है तो आपकी जगह कम लेगी, जैसे मेरी जगह इतनी लगभग ही है तो उसमें और कम जगह लेगी तो फायदा है, क्योंकि दुकान में वैसे भी ज्यादा कर जगह नहीं होती है, जगह की बहुत दिक्कत है शहरों में, वैसे वो छोटी मशीन है सबसे बढ़िया है, क्योंकि हर कंपनी के आप जब डीलर से लेते हो तो मशीन लेना ही लेना पड़ता है। और मशीन शायद चार्जेबल है, और अगर कई जगह कमीशन पे भी चल रहा है कि आपको कितना निकालते हैं ऑर्डर, उस हिसाब से वो फिर मशीन देते हैं, अगर ज़्यादा ऑर्डर निकला तो उस हिसाब से फ्री रहेगा, कम निकला वो आप लोग समझ जाएंगे, हर कंपनी में सेम रहता है। मशीन का भी कलर बढ़िया ब्लैक शेड में है, ओपस लिखा हुआ है बिरला का पूरा साइड पे, मशीन का थोड़ा साइज छोटा है वो भी उसमें है, मशीन बहुत बढ़िया लुक है। और लगभग लगभग सारे शेड्स है, इंटीरियर एक्सटीरियर अभी से पा रहे हैं, वाटर प्रूफ इनामे लिखा, कमिंग सून है, अभी डीलरशिप देना स्टार्ट कर दिए लगभग थोड़ी थोड़ी जगह पे, और अप्रैल अप्रैल तक लगभग लगभग सब जगह ये मार्केट में पूरे इंडिया में उपलब्ध रहेंगे, कई जगह फैक्ट्रियाँ भी इनकी खुली है, साइट पे हमने अनाउंस कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम पिन कर देंगे। और कुछ जानने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।